राष्ट्रवाद और विकासोन्मुखी राजनीति का पर्याय बन चुकी है भाजपा। भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रुड़की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने आज भाजपा के सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रुड़की पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष शोभा राम प्रजापति, जिला प्रभारी आदित्य चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और समस्त पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, यहाँ वंशवाद और परिवारवाद को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि भाजपा अंत्योदय योजना पर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने बूथ अध्यक्ष को बहुत महत्व देती है, क्योंकि चुनाव में सबसे पहले बूथ अध्यक्ष ही पार्टी का बस्ता लगाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि दबो कुचलो वंचित शोषित व पिछड़े समाज की सेवा और उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। भाजपा संस्कृति राष्ट्रवाद और विकासोन्मुखी राजनीति का पर्याय बन चुकी है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि जब से रुड़की को संगठनात्मक दृष्टि से जिला घोषित किया है, पार्टी द्वारा निर्देशित सभी कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो रहे हैं। पूरे जिले में पार्टी स्थापना दिवस बहुत जोर शोर से बनाया गया। घर घर भाजपा के झंडे लगाए गए। उनके विधायक कार्यालय सेवा केंद्र में भी रोजाना आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि सेवाओं के कैंप लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा रुड़की पूर्वी मंडल के 111वें बूथ जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष श्याम सुंदर खन्ना का सम्मान भी किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अरविंद गौतम और प्रवीण संधु ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, उपाध्यक्ष सूर्यवीर मलिक, प्रधान राजबाला सैनी, मधुप त्यागी, भीम सिंह, सावित्री मंगला, सोनू धीमान, जिला मंत्री सतीश सैनी, गीता कार्की, सौरभ गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, कोषाध्यक्ष नितिन गोयल, बील अग्रवाल, चौधरी सत्वेंद्र, अफजाल अली, गौरव कौशिक, धीरजपाल, सुशील त्यागी, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी, महामंत्री आदेश सैनी, पवन तोमर, झबरेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी मानवेंद्र, मोहित राष्ट्रवादी राजपाल सिंह, अनिल एडवोकेट ब्रिजेश त्यागी, अजीत चौधरी, संजय अरोरा, मंडल अध्यक्ष संजय त्यागी, संजीव तोमर, मंडल महामंत्री भरत कपूर, डॉक्टर मधु जैन, धीरजपाल, धीमान ब्रिजमोहन सैनी, अमित प्रजापति, मनोज नायक, अभिषेक चंद्रा, श्यामवीर सैनी, सुशील पेगोवल, सचिन तनेजा, किरण, मीनू सिंह, सुधीर जाटव, अनुज आत्रे, मंजू रावत, प्रमोद, रवि राणा, दिनेश पनवार, योगेश सिंघल, पार्षद सचिन कश्यप, विवेक चौधरी, दमयंती नेगी, आशा धस्माना, अनीता, संदीप पुरी आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, राष्ट्रीय हित में ज्यादा काम करती है, इसलिए संगठन को, पूरे संगठन को सबका विकास सबका साथ की प्रति में सबके लिए काम करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कोई भी वर्ग जाति कोई भी हमसे नहीं छूटना चाहिए। हर वर्ग के अंदर सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, हर वर्ग में स्नेह बनाना, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना, यही संकल्प है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी कार्यकर्ता प्रवास करें, नीचे तक प्रवास करें और प्रवास कर बूथ को भी मजबूत करें और साथ साथ आगामी योजनाएं आ रही हैं। जैसे हम अभी समरसता दिवस मना रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है, अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, 21 जून को योगा दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के भी 9 साल अब केंद्र सरकार के होने वाले हैं। ऐसे अनेकों अनेक योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वयन करके और गति देने का काम करेंगे। सर, अभी आपने बोला कि हर कार्यकर्ता है, हर पार्टी का पदाधिकारी सिर्फ चुनाव पर ध्यान दें, अन्यथा और किसी चीज़ पर ध्यान दें, जनता का काम है वो कौन लोग करेंगे? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का काम चुनाव जीतना होता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और चुनाव जीतने के लिए काम करना होता है, योजनाओं को वहाँ तक ले आना, उनकी समस्याओं को सुनना, जनता की समस्या को सुनना, क्या परेशानी है उसका हल करना। आपका भी लॉजिक ठीक है, आप मीडिया से आपने बातें पकड़नी है, शब्दों को पकड़ना है, लेकिन शब्दों के पीछे भाव यही है कि जनता को किस प्रकार से लाभ हो। प्रभारी जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह जब से सोशल मीडिया की वजह से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, क्या भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कोई योगदान नहीं है इसमें, खाली सोशल मीडिया की वजह से नहीं बन पा रहे?
नहीं, मैंने खाली सोशल मीडिया नहीं कहा, सोशल मीडिया का एक अंग है उसके अंदर, वो बहुत प्रभावी होता है। जिस प्रकार से आज अमित शाह जी की आपने पति सुना नहीं सुना, ये बोगस पना कराया है सोशल मीडिया से कि प्रधानमंत्री डिग्री दिखाएं, आज डिग्री दिखाई गई है। तो सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार से वातावरण निर्मित किया जाता है, उसका भी एक अंग होता है वो। देश ने सबसे बड़ा पाप किया है कि देश आज़ाद हुआ था, एक मजबूत भारत को बनाने के लिए हुआ था, सबसे पहले ही देश के दो टुकड़े करा दिए गए, और दो टुकड़े नहीं किए गए, देश में ऐसा नरसंहार पहली बार हुआ कि कत्लेआम मचा, और वो बहुत ही दुखदायी था। इसलिए मैंने कहा है कांग्रेस की नीति, जब भी आपने देखा होगा 84 के दंगे के बाद में राजीव गांधी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, आपातकाल के बाद में पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी, ये सब ना कहीं कहीं ना कहीं इनका इतिहास खून खराबे से निकल के रहता है। आज देखिए ना, मोदी जी लगातार जीत के आ रहे हैं, काम करेंगे, काम किया है उसको नाराजी कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का कोई भी वातावरण निर्मित कर जीतने का काम नहीं करते।